केंद्र सरकार द्वारा 16 जुलाई से खाद्य पदार्थ हॉस्पिटल एवं होटलों में 5% जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया है, जिसका व्यापारिक संगठन कैट के द्वारा विरोध किया जा रहा है, जिसे लेकर कैट के पदाधिकारी मंगलवार को सांसद विजय बघेल, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे एवं विधायक अरुण वोरा से मिलकर ज्ञापन सौंपे, जिसमें जीएसटी नहीं लगाने की अपील की गई। ज्ञात हो कि पहले खाद्य पदार्थ एवं अस्पताल जीएसटी के दायरे से बाहर थे, परंतु अब इन पर भी जीएसटी लागू करने से आम जनता पर महंगाई का बोझ और अधिक पड़ेगा, जिसे लेकर व्यापारी संगठन ने अपना विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया है। विधायक अरुण वोरा के घर ज्ञापन देने पहुंचे कैट के पदाधिकारियों ने मीडिया से इस बात की जानकारी कुछ इस प्रकार से दी। सबसे पहले तो निम्न वर्ग को, जो आम जनता है, उनके ऊपर ज़्यादा बोझ बढ़ेगा, क्योंकि यह 5% जीएसटी पहले खाद्य पदार्थ, दूध, दही, पनीर, इन सब चीज़ों में ये जीएसटी के दायरे में नहीं थे। अभी लाने से बोझ काफ़ी बढ़ेगा और आम जनता को बहुत महंगाई का सामना करना पड़ेगा। ऑलरेडी इतनी ज़्यादा महंगाई है कि आम जनता इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, और उसके बाद अब 18 तारीख से जो जीएसटी लागू होगी, इससे और ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी, जिससे जनता पे बोझ पड़ेगा। हाल ही में जो जीएसटी की बैठक हुई है निर्मला सीतारमण जी की अध्यक्षता में, उसमें ये तय किया गया है कि 16 जुलाई से जितने भी खाद्य पदार्थ हैं या जितने भी पैक्ड प्रोडक्ट्स हैं, इन पर 5% जीएसटी, इनको सभी को 5% जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा। साथ ही अस्पताल पर भी 5% जीएसटी लगेगा। उसके अलावा जितने भी होटल्स हैं, जो जिनका 1000 रुपये से कम का कमरा है, उन पर भी जीएसटी लगेगा, जो कि यह सब पहले जीएसटी के दायरे में नहीं था। और ऐसा लगता है कि यह जो नीति लाई जा रही है, इससे जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, इनको फ़ायदा पहुंचा करके छोटे व्यापारियों के अहित में यह काम किया जा रहा है। इसी संदर्भ में हमने आपत्ति दर्ज कराने हेतु हमारे माननीय विधायक अरुण वोरा जी के पास एवं सांसद बघेल जी के पास में और सरोज पांडे जी के पास में यह अपनी अपनी आपत्ति दर्ज कराई है ज्ञापन देकर। अभी तक के कोई भी खाद्य पदार्थ जीएसटी के दायरे में नहीं था, परंतु ये जीएसटी के दायरे में आने से इससे एक तो महंगाई बढ़ेगी, दूसरा आम लोगों के ऊपर काफ़ी बोझ आएगा। और ये सभी व्यापारी छोटे एवं मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा अकाउंटिंग की सुविधाएं नहीं होती है, और कोई भी गलती होने पर क्योंकि जीएसटी में भारी पेनाल्टी है, उसका खामियाजा इन व्यापारियों को भुगतना पड़ेगा।